हाय गाइस, कैसे हैं आप? सो उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इंस्टीट्यूट ने जब रिजल्ट डिक्लेयर किए थे, उसके बाद एक ऐसा इशू जो काफी सारे बच्चों को परेशान कर रहा है, बहुत सारे मैसेज मुझे उस रिगार्ड में आ रहे हैं। आई थॉट कि क्यों ना पूरे भारत भर को संबोधित कर दिया जाए, इसके ऊपर वीडियो ही बना दिया जाए। तो इशू क्या है ये जानने के लिए और उसका सॉल्यूशन क्या है, पूरा वीडियो जो है अंत तक देखिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस। जी हाँ, इशू कुछ इस प्रकार है। बच्चों ने ग्रुप वन के एग्जाम दिए थे, नवंबर में रिजल्ट अवेटेड था और साथ ही साथ ग्रुप टू की क्लासेस देनी स्टार्ट कर दी थी एंड अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट में पास नहीं हो पाए। रीजन कुछ भी हो, रीजन में हम इस वीडियो में नहीं जा रहे। ग्रुप वन क्लियर हमारा नहीं हो पाया, ग्रुप टू की क्लासेस हमने कर दी थी स्टार्ट, जिसमें से काफी हद तक हमारी ग्रुप टू की क्लासेस खत्म भी हो चुकी है, लेकिन अभी भी एज्यूम करते हैं कि लेट से 10 मार्च या 15 मार्च तक हमारी ग्रुप टू की क्लासेस चल रही हैं। तो अब सवाल ये उठ रहा है उन बच्चों के मन में कि यार हम करें क्या? क्या हम ग्रुप वन का एग्जाम दें, क्योंकि ग्रुप वन पहले पढ़ा हुए, क्लियर नहीं हो पाए तो ग्रुप वन को ही दे दें मई में, या फिर ऐसा लग रहा है कि यार ग्रुप वन को मत दें, ग्रुप टू अभी अभी ताजा ताजा पढ़ा है और अभी तो एक महीने तक और इसकी क्लास चलेगी तो ग्रुप टू को ही दे देते हैं। और कुछ बच्चे ऐसा भी सोच रहे होंगे कि क्यों ना हम बोथ ग्रुप्स दे दें। तो इस सिचुएशन में बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, उसी को यहां डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो किसी बच्चे के मन में यह ख्याल ना है कि यार मैं ग्रुप वन क्लियर नहीं हो पाया तो मैं ग्रुप टू की क्लासेस बीच में छोड़ दूं, बिल्कुल ऐसा मत करना। अक्सर ऐसा देखा गया है, स्पेशली ऑनलाइन वाले बच्चे जो पेनड्राइव गूगल ड्राइव के माध्यम से क्लासेस लेते हैं, वो क्या करते हैं कि यार बीच में छोड़ देते हैं क्लासेस देखना, और उसके बाद जब मई के बाद देखना स्टार्ट करते हैं तब तक पूरा लिंक टूट चुका होता है, उन्हें सब्जेक्ट का कुछ भी याद नहीं रहता। तो क्लासेस देखना तो बिल्कुल मत छोड़िए मेरे हिसाब से, बिकॉज ऐसा भी नहीं है कि आज के दिन से अगर मुझे मान लो ग्रुप वन देना तो आज ही से मैं पूरा पूरा दिन ग्रुप वन पढ़ना स्टार्ट कर दूं। अरे आधा पढ़ा है, पूरा मार्च है, पूरा अप्रैल है यार, और ग्रुप वन पहले भी तो पढ़ा था, तो ढाई महीने सिर्फ ग्रुप वन ही पढ़ते रहेंगे, ये तो अच्छी बात नहीं है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट की निपुणता को नहीं दर्शाती है ये वाली चीज। तो हमें अब करना क्या है? सबसे पहला प्रिंसिपल, ग्रुप टू की क्लासेस कंप्लीट करनी है, अच्छे से नोट्स बनाओ। और ऐसा नहीं ऊपर ऊपर के मन से कि यार ग्रुप टू देना तो है नहीं, मेरा ग्रुप वन रह गया, मैं नहीं पढ़ता ना, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो साथ साथ अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। और अगर मेरे स्टूडेंट हो बाय चांस तो भाई होमवर्क जरूर करते रहना, राइट? आपको पता है होमवर्क करना होता है, चेक होगा अगले लेक्चर में, ऐसा ना हो कि आप होमवर्क छोड़ दें फिर पेंडिंग हो जाएगा, फिर आप मुझे मैसेज करोगे सर होमवर्क के सॉल्यूशन भेज दो, तो आपको पता है मैं नहीं करता वो चीज, आपको चेक ही करना पड़ता है क्लास में। और अगर थ्योरी सब्जेक्ट है वहां पर भी मन लगाकर ध्यान से पढ़े, जो भी टीचर बोल रहे हैं उसको साथ साथ नोट करते रहें। अब सवाल ये उठा कि सर हम ये तो समझ गए ग्रुप टू की क्लासेस कंप्लीट करनी है, लेकिन मई में ग्रुप वन का दें या ग्रुप टू का दें? देखिए इसका कोई एक एग्जैक्ट आंसर मैं नहीं दे सकता कि यार ग्रुप वन ही दो या ग्रुप टू ही दो, हर किसी की सिचुएशन अलग है। पहले बात करते हैं जो बच्चे सोच रहे हैं कि यार हम ग्रुप वन दे दें। अगर आप सोच रहे हैं कि आप ग्रुप वन देना चाहते हैं क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो ये एक डिसीजन काफी हद तक मुझे ठीक लगता है कि यार हमने ग्रुप वन पहले पढ़ा भी हुआ है और अटेम्प्ट भी दिया था और उसमें थोड़ी अमेंडमेंट वगैरह का, टेक्स्ट वगैरह का दिक्कत भी रहता है, तो क्यों ना हम ग्रुप वन ही दे देते हैं। लेकिन आपको उस केस में देखना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि ग्रुप वन में आपके मार्क्स बहुत ही कम है, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे बच्चों की मार्कशीट भी आई है जिनके टोटल मार्क्स 100 से भी कम है। अब मुझे नहीं पता कि वो किस माइंडसेट से गए थे एग्जाम देने के लिए और इतने खराब नंबर कैसे आ गए, क्योंकि ऐसा तो होना नहीं चाहिए अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है। तो अगर आपकी तैयारी काफी हद तक ठीक थी, रिजल्ट चाहे फेवर में नहीं रहा लेकिन तैयारी थी, ठीक है ना, तैयारी थी, कोई इशू नहीं है, 150 से ऊपर आपके मार्क्स आ गए हैं या फिर 150 से थोड़ा कम भी है, लेकिन आपको लगता है तैयारी थी आपकी, तो आप बड़े इजीली ग्रुप वन को वापस से दे सकते हैं क्योंकि काफी हद तक प्रिपेयर है। फिर जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर हम ग्रुप टू देना चाहते हैं, वो भी डिसीजन थोड़ा सा ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो काफी समय से ग्रुप वन ही देते आ रहे हैं, 2-3-4 अटेम्प्ट हो गए लेकिन उन्हें लगता है कि यार ग्रुप वन तो क्लियर नहीं हो रहा, चलो मैं इस बार ग्रुप टू ट्राई करके देखता हूं, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। एक ही ग्रुप को देते देते कई बार माइंड में ही कुछ बैठ जाता है कि यार ये ग्रुप तो मेरे से नहीं हो रहा पास, और फिर फटीक सी हो जाती है, एक भिन्न डिफरेंट सी सिचुएशन माइंड में हो जाती है, बड़ी अनकंफर्टेबल सी। तो हम ये ऐसा कहते हैं कि यार यस ठीक है बिल्कुल, कि हम ग्रुप टू जो है उसे दे देते हैं, फ्रेश एनर्जी के साथ, फ्रेश फ्रेश पढ़ा है तो हम ग्रुप टू दे सकते हैं। कई बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि हम बोथ ग्रुप दे दें। अगर आपको लगता है ग्रुप वन काफी हद तक प्रिपेयर था, थोड़े से ही मार्जिन से रहे हैं, उस सिचुएशन में सिर्फ एक ग्रुप को अटेम्प्ट करना मैं भी नहीं चाहता और मैं भी नहीं मानता कि एक सही डिसीजन है। अगर ग्रुप वन थोड़े से नंबर से रहा है, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश देने की जरूरत है, आप ग्रुप वन भी कर सकते हैं। और ग्रुप टू की क्लासेस तो अभी उम्मीद करता हूं आने वाले कुछ दिनों में आपकी खत्म होने ही वाली है, तो ग्रुप टू तो फ्रेश फ्रेश पढ़ा ही है और समय हमारे पास काफी है, तो हम दोनों ग्रुप्स के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन कंडीशन एक है, यू विल हैव टू
गिव अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, मतलब कितना ये मैं सच में बता भी नहीं सकता, बस इतना कह सकता हूं जो समय है उस समय में सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क ही करना होगा, बाकी सब चीजों को भूल जाना होगा अगर हम चाहते हैं अपने लिए एक सुनहरा भविष्य, सुनहरा रिजल्ट देखते हैं और ये मानते हैं कि मई वाले एग्जाम में हम पास हो तो डेफिनेटली आप पास हो सकते हैं, प्रोवाइडेड यू विल हैव टू डू अ लॉट एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क। एंड हर स्टूडेंट में, हर ह्यूमन बींग में वो क्षमता है, बात सिर्फ इतनी कि क्या हम उसे करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो जितने भी अच्छे बच्चे हैं उनसे तो मैं यही चाहूंगा कि यार यस यू कैन गो फॉर बोथ ग्रुप्स। एंड ऐसा भी नहीं है कि अगर आज सोच लिया बोथ ग्रुप देना है और लगता है अप्रैल 10 या 15 के आसपास जाकर के यार बोथ ग्रुप मैनेज नहीं हो रहे तब भी जबरदस्ती हम दोनों ग्रुप को करें, जी नहीं। आज की डेट में अगर हमें लगता है हम कर सकते हैं तो यू शुड स्टार्ट विद द स्टडीज ऑफ बोथ द ग्रुप्स। लेकिन एग्जाम से ऑलमोस्ट 20-25 दिन पहले हम एक सेल्फ एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या हम दोनों को साथ साथ मैनेज कर पा रहे हैं। अगर लगता है कि हाँ एक डिसेंट स्पीड के साथ चल रहा है तो ओके है, लेकिन अगर लगता है कि यार दोनों ग्रुप के कारण मेरा एक ग्रुप का रिजल्ट भी खराब हो जाएगा, दोनों के चक्कर में कहीं एक भी ना पास हो पाए, उस सिचुएशन में वहां पर जाकर कोई भी एक ग्रुप जो हमें लगेगा कि मुश्किल है उसे छोड़ देंगे और जहां पर हम कंफर्टेबल हैं उस ग्रुप को पर्टिकुलर को कंटिन्यू कर लेंगे। तो ये मेरे ख्याल से एक बेस्ट स्ट्रेटजी हमारे लिए रहनी चाहिए। एंड अगर आप बच्चों कुछ भी लगे किसी भी और पॉइंट के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगा, पिछले कुछ दिनों से नहीं बना पाया, सॉरी फॉर दैट, कुछ आईज में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, आई वाज अवॉइडिंग द कैमरा एक्सेट्रा, बट नो प्रॉब्लम। आप बच्चों को जो भी लगे कमेंट में जरूर लिखिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि उस चीज के ऊपर डेफिनेटली जो भी मेरे व्यूज हैं आप सबके साथ शेयर कर सकते। गाइज ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टडीज करते रहिए, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।